वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा एक में विषय हिंदी गतिविधि करने वाले, हिंदी की गतिविधि करेंगे, वचन बदलिए। ठीक है बच्चों, इस गतिविधि में आप मेरा साथ देना। ठीक है बच्चों, इस गतिविधि शुरू करते हैं। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वचन बदलिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। देखते हैं बच्चों, एक वचन में एक वस्तु के बारे में बात होती है और बहुवचन में बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात होती है। जैसे किसी एक चीज़ के बारे में बात होगी तो एक वचन में, और बहुवचन में ज़्यादा। जैसे पेंसिल, एक वचन में है पेंसिल, पेंसिल को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंसिलें। पेंसिल एक है और ये हमारे पास बहुत सारी पेंसिल है तो पेंसिल का पेंसिलें। बच्चों देखो, चित्र में एक मछली है, ये क्या है, मछली, और इस तरफ एक से ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे, मछलियाँ, मछली का मछलियाँ। फिर दिया है ये क्या है, तारा, एक तारा है और इस तरफ बहुत सारे तारे हैं तो तारा का बहुवचन में बदलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तारे, तारा का तारे, ये बहुत सारे तारे हैं। जब एक तारा होगा तो हम बोलेंगे तारा, और जब बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, तारे। फिर दी है ये चूड़ी, ये क्या है, चूड़ी, एक चूड़ी है, जब बहुत सारी चूड़ियाँ होंगी तो हम कैसे बोलेंगे, चूड़ियाँ, ये बहुत सारी हैं तो इनको कैसे बोलेंगे, चूड़ियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ। फिर दिया है सब्जी, टमाटर सब्जी में आता है तो एक सब्जी है ये, और जब बहुत सारी होंगी तो कैसे बोलेंगे, सब्जियाँ, सब्जी का सब्जियाँ। फिर से देखते हैं हम, पेंसिल का पेंसिलें, मछली का मछलियाँ, तारा तारे, चूड़ी चूड़ियाँ, सब्जी सब्जियाँ। आ रहा है बच्चों आप समझ। अब हम इसके, हम इन्हीं के अनुसार, वचनों के अनुसार एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा वचन बदलिए, एक वचन और बहुवचन। अब हम इन्हीं के अनुसार एक छोटा सा गेम करने वाले हैं। हमारे पास दो ग्लास हैं, लिखा हुआ है एक वचन एक ग्लास पे, दूसरे ग्लास पे लिखा है बहुवचन, और हमारे पास कुछ पर्चियाँ हैं, स्लिप्स हैं कुछ, इन पर लिखे हुए हैं एक वचन और बहुवचन के नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक वचन में क्या आता है और बहुवचन में क्या आता है, उन वो लिखा हुआ है तो हमें पढ़कर, यदि वो एक वचन है तो हमें एक वचन वाले ग्लास में डालना है, यदि वो बहुवचन है तो हमें बहुवचन वाले ग्लास में डालना है। जैसे देखते हैं, पहला है मछली। बताओ बच्चों मछली एक वचन है या बहुवचन है, मछली एक है तो हम इसे एक वचन वाले में डाल देते हैं। घोड़ा, घोड़ा एक वचन में आता है, हाँ तो घोड़ा को भी हम एक वचन में डाल देते हैं। ये है पेंसिलें, पेंसिलें बहुत सारी होती हैं तो ये बहुवचन में आएंगे तो हम इसको बहुवचन में डाल देते हैं। जो एक वचन में आने वाले हैं उन्हें हम एक वचन में डालेंगे, जो बहुवचन में आने वाले हैं उन्हें बहुवचन वाले में डालेंगे। फिर दिया हुआ है किताब, किताब एक वचन में आती है, किताब एक है तो हम किताब को एक वचन में डालते हैं। ये लिखा है कमरे, कमरे, कमरे बहुवचन में आते हैं, कमरा एक होता है लेकिन कमरे बहुत सारे होते हैं तो कमरे बहुवचन में आएंगे तो कमरे को हम बहुवचन वाले में डाल देते हैं। फिर लिखा है पेंसिल, पेंसिल एक है तो पेंसिल को हम एक वचन वाले में डाल देते हैं। फिर दिया है या लिखा है मछलियाँ, मछलियाँ बहुवचन में आएंगी या एक वचन में, बहुवचन में। अगर यदि मछली लिखा था तो हमने एक वचन में डाल दिया, ये लिखा है मछलियाँ तो मतलब बहुवचन में आएंगी तो इसको हम बहुवचन में डाल देते हैं। फिर है ये लिखा है पत्ते, पत्ते एक वचन में आएंगे या बहुवचन में, बहुवचन में, तो हम पत्ते को बहुवचन में, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं पत्ते, यदि एक होता तो पत्ता होता तो हम उसको एक वचन में डालते, हमारे पास था पत्ते तो हमने उसको बहुवचन में डाला। फिर दिया है सब्जियाँ, सब्जियाँ बहुत सारी होती हैं तो ये बहुवचन में आएंगी तो इनको हम बहुवचन में डाल देते हैं। फिर दिया सब्जी, सब्जी कोई एक सब्जी होती है तो इसको हम एक वचन में डाल देते हैं। फिर आइए क्या लिखा है चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, चूड़ी तो एक होती है लेकिन चूड़ियाँ बहुत सारी होती हैं तो चूड़ियाँ बहुवचन में आती हैं तो हम इसको बहुवचन में डाल देते हैं। फिर लिखा है चूड़ी, चूड़ी एक होती है तो चूड़ी को एक वचन में डाल देते हैं। फिर दिया है तारा, तारा मतलब एक सितारा, तारा एक होता है और जब बहुत सारे होंगे तो उन्हें तारे बोलते हैं लेकिन ये लिखा है तारा तो तारा को हम एक वचन में डालते हैं। फिर दिया है चाबी,
चाबी बच्चों एक होती है और चाबियाँ बहुत सारी होती हैं। ये लिखा है चाबी, चाबी मतलब एक चाबी, इस एक वचन में आएगा तो हम इसको एक वचन में डाल देते हैं। फिर आखिरी है हमारे पास तारे, तारे बहुत सारे होते हैं, ये बहुवचन में आते हैं तो इसको हम तारे को बहुवचन में डाल देते हैं। आया बच्चों समझ आपको? बच्चों आज हमने क्या सीखा? एक वचन और बहुवचन के बारे में सीखा। हमने क्या किया? एक वचन वाली पर्चियों को एक वचन में डाला और बहुवचन वाली पर्चियों को बहुवचन में डाला। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस एक्टिविटी को घर पर भी प्रयास कर सकते हैं करने का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।